आपने अक्सर देखा होगा कि आपके परिवार वाले या आपके मित्र सखा संबंधी आपके प्रति दया करुणा या अनुकंपा रखते हैं, लेकिन कभी कभी वही सखा वही मित्र आपके परिवार वाले आप पर क्रोध करते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे सुनने से आपको भीतर तक चोट पहुंचती है। फिर आप अपने उस परिवार से अपने सखा संबंधी से अच्छी व्यवहार नहीं करते, उनसे खफा खफा रहने लगते हैं, उनसे चिड़चिड़ापन रहने लगते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि जो व्यक्ति जिसके प्रति दया करुणा की भाव रखता हो उसी के ऊपर क्रोध कैसे कर सकता है, उसके बारे में गलत कैसे सोच सकता है। जहां पर दया या करुणा हो वहां पर ये क्रोध कैसे आ सकता है, आपके मन में ये सवाल उठता होगा। लेकिन यही चीज तथागत गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ था। उन्हें तो दया और करुणा का सागर कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनके भीतर किसी के प्रति क्रोध का भाव क्यों आया? एक तरफ बुद्ध और दूसरी तरफ उनका ये क्रोध, आखिर ये क्रोध का कारण क्या है? जब तथागत बुद्ध दया और करुणा के सागर है तो उनके भीतर क्रोध तो आना नहीं चाहिए। और यही सवाल जब एक राजकुमार तथागत बुद्ध से किया कि हे तथागत, आपके भीतर दया करुणा का सागर है, आप हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर ये क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ? आइए इसे ठीक से समझते हैं कि तथागत बुद्ध उस राजकुमार को क्या जवाब दिए। अगर इसे आपने समझ लिया तो इस उत्तर का प्रयोग आप अपने जीवन में भी कर सकते हैं, किसी का जीवन बचाने के लिए भी कर सकते हैं। पूरी समझने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। भगवान गौतम बुद्ध प्रेम और करुणा का संदेश देते थे, लेकिन एक दिन तथागत ने देवदत्त के लिए कठोर वचनों का उस पर उपयोग किया था और उन्हें ऐसा करते वक्त एक अभय नाम का राजकुमार ने सुन लिया था। फिर राजकुमार सोचने लगा कि एक तरफ तो बुद्ध प्रेम और करुणा का ज्ञान देते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं, वहीं पर खुद अपने भीतर क्रोध को पालते भी हैं। कैसे उन्होंने देवदत्त को नर्कगामी बोल दिया था, कोई बुद्ध ऐसा कैसे कर सकता है? तब राजकुमार अभय ने सोचा कि मैं तथागत बुद्ध के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या बुद्ध कभी कठोर वचन बोलते हैं। उसने सोच रखा था कि अगर बुद्ध नहीं कहेंगे तो वह बुद्ध को यह बताएगा कि उन्होंने देवदत्त को नर्कगामी बताया था, और यदि हां कहेंगे तो मैं उनसे यह पूछूंगा कि जब आप कठोर शब्द का प्रयोग करने से स्वयं को ही नहीं रोक पाते हैं तो दूसरे को प्रेम और करुणा का ज्ञान क्यों देते हैं? अगर आपसे खुद का क्रोध नहीं रोका जाता है तो भला आम आदमी इसे कैसे संभाल सकता है? यह सब सोचकर अभय राजकुमार बुद्ध के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम करके कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा है, इसका समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या मैं आपसे मेरे मन में जो भी सवाल है वो पूछ सकता हूं? बुद्ध ने कहा, हां, जो चाहे पूछ सकते हो। राजकुमार ने कहा, हे तथागत, मैंने आपको एक बार देवदत्त को कठोर वचन कहते हुए सुना था। आपने देवदत्त को नर्कगामी कहा था, और जहां तक मैं जानता हूं कि बुद्ध लोगों के लिए कठोर वचनों का उपयोग नहीं करते हैं, क्या मैं यह मान लूं कि आप बुद्ध नहीं हैं? क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हो? तथागत राजकुमार के प्रश्नों का आशय जान गए और फिर मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर ना तो ना में दी जा सकती है और ना ही हां में। उस समय राजकुमार अभय की गोद में एक छोटा सा बालक था जो राजकुमार का पुत्र था। तथागत ने उस बालक की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे राजकुमार, यदि तुम्हारा ध्यान ना रहे और यह बालक अपने मुख में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे? राजकुमार ने कहा, मैं उसे निकालने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने फिर कहा, क्यों, तुम इसे क्यों निकालना चाहोगे? राजकुमार ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस लकड़ी का टुकड़ा मेरे पुत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। बुद्ध ने कहा, यदि वही लकड़ी का टुकड़ा आसानी से नहीं निकला तब तुम क्या करोगे? राजकुमार ने कहा, मैं बाएं हाथ से उसका सर पकड़कर दाहिने हाथ की अंगुली को टेढ़ा करके उस लकड़ी के टुकड़े को निकालने की कोशिश करूंगा। तथागत बुद्ध ने कहा,
और यदि ऐसा करने में बच्चे के मुंह से खून निकलने लगा तो? राजकुमार ने कहा, तब भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह लकड़ी का टुकड़ा किसी न किसी तरह से बाहर निकल जाए। बुद्ध ने फिर कहा, और तुम ऐसा क्यों करोगे, इसकी क्या जरूरत है? राजकुमार ने कहा, ऐसा मैं इसलिए करूंगा तथागत, क्योंकि मुझे इस बच्चे के प्रति दया करुणा और अनुकंपा है। फिर तथागत बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि वह मिथ्या या अनर्थकारी है, उससे दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब वह उसे कभी उच्चारण नहीं करते। ठीक इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकर प्रतीत होते हैं तथा दूसरे को प्रिय लगते हैं, उनका ही सदैव उच्चारण करते हैं। इसलिए देवदत्त को जो शब्द मैंने कहे थे वह केवल देवदत्त के लिए ही थे, तुम्हारे लिए नहीं थे। और इसका कारण केवल इतना ही था कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है, दया है और करुणा भी है। वैसे शब्द उनके जीवन परिवर्तन के लिए थे, उनके मार्गदर्शन के लिए थे, और वो शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए थे, पूरे संसार के लिए नहीं। बुद्ध की ये बात सुनकर राजकुमार अभय ने बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना की कि हे बुद्ध, मुझे क्षमा करे, मैंने आज तक आपको समझ ही नहीं पाया। मित्रों, ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी परवाह करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, और इसीलिए कभी कभी हमारे भले के लिए वह हमें कठोर वचन भी बोलते हैं। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे नाराज मत होना, वही आपके सच्चे हितैषी है। आपके प्रति उनके मन में दया करुणा तथा अनुकंपा है। बुद्ध ने देवदत्त को कठोर वचन तो कहे और उसे हर प्रकार से समझाने का प्रयास भी की, लेकिन वह हमेशा तथागत से नाराज ही रहा। इसलिए वह हमेशा गलत राह पर ही चलता रहा, और जीवन के अंत में जब उसे यह बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, समय निकल चुका था। मित्रों, तथागत बुद्ध की इस कहानी से हमें अपने जीवन में यह सीखना चाहिए कि अगर आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कोई अगर गलत रास्ता पर जा रहा हो या लक्ष्य से भटक गया हो, तो आप उसे समझाने में जरा भी देर ना करें। चाहे आपको दया की भावना से समझाना पड़े या डरा धमका कर गुस्से की भावना से समझाना पड़े, क्योंकि आपका एक कदम, आपके उसके प्रति एक विचार उसका जीवन परिवर्तन कर सकता है और वो गलत मार्ग में जाने से बच सकता है। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या भावनाएं हैं, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।